चोर, तेरा इतना साहस मेरी आंखों के सामने तूने माखन चुराया। कान्हा, कहीं जानकी और सावित्री सत्य तो ना कह रही थी? नाना मैया जी, मैंने ना चुराया है, वो आया था। मूर्ख समझती है मुझे? तेरे मुख पे लगा माखन सारी कथा कह रही है। आपको धोखा हो रहा है मैया, मेरे मुख पर माखन अवश्य लगो है, पर जे मैंने ना खायो, वो आया था। बस कर, सब पतो है मुझे, सुबह से ही दृष्टि थी तेरी इस माखन पे। मैं सत्य कह रही हूँ मैया, मेरा विश्वास कीजिए, वो आया था और उसी ने माखन खायो है। वो आया था, अरे कौन आया था? कान्हा। देखो मैं क्या लायो। इसके लिए पकड़े जाने का संकट क्यों उठाया तुमने? तू ही तो कहते है कि लोग कभी ना करना चाहिए। अरे ये बेरिल थोड़ी दा है, ये हमारी टोली के लिए, हमारे सदस्य के लिए है। काहे बमानर मराज, अवश्य घर छोड़ के आए होंगे इसे। अब आप ये दो और ये लो। ये तो बहुत बुद्धिमान वानर है। बाल बराबर बज गया तो तनी कौरवी ने बुझा था तो बहुत कुटाई हो जाती। आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा। सुलक्षणा चाची स्त्रियों की टोली बनाकर उस व्यापारी को अपना वचन देने निकल चुकी हैं। मैंने कहा था ना, सूर्यास्त होने से पहले आएंगे, सब आएंगे। क्या होगा वे तुम सबको? हाँ, कोई भी कछु समझने को तैयार ही ना है। वहां वो सुलक्षणा से सभी के साथ उस व्यापारी को वचन देने जा रही है, और यहाँ तुम दोनों मेरे लल्ला पर, गोकुल के राजकुमार पर माखन चोरी का आरोप लगा रही हो। नारायण ही जाने अब क्या होगा गोकुल की स्त्रियों का। क्या हुआ प्रभु, किस सोच में डूब गए आप? कुछ कीजिए ना। मुझे अच्छी तरह स्मरण है भैया, आपको मेरे हाथ की बनी खीर बहुत प्रिय लगती थी। आशा है कि आपको इसका स्वाद अभी भी स्मरण होगा। लो भैया, जी भर के खाओ। ऐसी मिठास तो ना गुड़ ने सीखी है ना मधु को पता है। अद्भुत अद्भुत देवकी, अद्भुत। तेरी इस खीर के लिए तो पूरे विश्व से युद्ध कर सकता है कंस। वहां क्यों खड़ी है? आ, खिला बहन। चिंता की आवश्यकता नहीं है भैया, मैंने कोई विष नहीं मिलाया। नहीं, खिला। आह, उत्तम, अति उत्तम। वैसे इतना प्रेम अपने इस दुष्ट भाई पर कैसे? क्या हुआ देवकी, कहीं तू भयभीत तो नहीं हो गई कंस से, या इस असहाय चूहे की दशा देखकर तुझे ये आभास तो नहीं हो गया कि अब कंस से बचना असंभव है? उस विष्णु अवतार का भी और उसके भक्तों का भी। जो असंभव को संभव और संभव को असंभव बना दे, वही तो है नारायण की लीला भैया। अरे देवकी,
तेरा नारायण केवल कुछ असुरों की हत्या कर सकता है, उस असुर का क्या बिगाड़ेगा जो विकार बनकर उसी के भक्तों को भीतर से जकड़ ले। जो भक्त श्री नारायण की भक्ति में जकड़े हुए हैं, उन्हें नारायण इतनी सरलता से किसी विकार में नहीं पड़ने देंगे और ना ही उन्हें निराश होने देंगे। मुरली की धुन, सुना तुमने? हाँ, कितना मनमोहक है जी। कान्हा, कैसी धुन है ये? कहाँ जा रहे हैं ये सब? खीर तो केवल माध्यम था भैया, सत्य तो ये है कि मैं केवल आपको इतना बताने आई थी कि श्री नारायण अपने भक्तों को किसी ना किसी तरह सही मार्ग अवश्य दिखाते हैं। नारायण उन्हें लोक तो क्या, किसी भी जाल में नहीं फंसने देते, कभी नहीं। नारायण उन्हें लोक तो क्या, किसी भी जाल में नहीं फंसने देते। कैसी लगी मेरी मुरली की धुन? अच्छी थी ना? आनंद आयो? सच्ची में कान्हा, बहुत आनंद आयो। मुरली बजाना कहाँ से सीखा तूने? सच्ची, तन मन पूरी तरह प्रफुल्लित होगो, है चाची? जैसे सब कुछ मिल गया। तो फिर किस वस्तु के पीछे भाग रहे हो आप सब? सब तो है आपके पास, सुख स्वाद समृद्धि, फिर संतुष्टि क्यों ना है? मेरा नन्हा सा कान्हा इतनी समझदारी की बात कर रहे हैं,
अब जिस धन को पाने के लिए इतने आतुर है, वो आज मिलेगा तो सही, पर कल व्यय भी तो हो जाएगा। और यदि किसी ने बहुत प्रयत्न करके ढेर सारा धन एकत्रित भी कर लिया, तो जीवन के बाद वो उसे अपने साथ थोड़े ही ले जाएगा। इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी प्रानियों की सारी संपदा, यहाँ तक कि उनका तन भी समय आने पर मिट्टी में मिल जाता है। आशीष पति आत्मा, वो तो परमात्मा के चरणों में चली जाती है। मैया भी यही है, स्वयं पे नियंत्रण पाना पड़ेगा। ये सब मेरे बाबा समझाते हैं। मैं तो समझ गया, अब आप सब भी समझ जाओ ना। तो ना तो क्या कहना? ना तो लोक का राक्षस जकड़ लेगो। सब छटक लूंगा। मैंने सही कहा ना बाबा? बात तो सही कह रहे हो जे। बस अब ये उस मार्ग पर चले जो प्रभु ने इन्हें दिखायो है, संतुष्टि का मार्ग। ठहरो। तो तेरे कहने का अर्थ ये है कि तेरा नारायण अपने भक्तों को मार्ग दिखाएगा और वो गोकुलवासी मेरे षड्यंत्र से बच जाएंगे। तेरा नारायण चाहे कितने भी मार्ग दिखा दे, किंतु जब व्यक्ति के भीतर लोभ बस जाए, उसे तो स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकता। व्यापारी जी, सब वापस लौट कर आ रहे हैं। व्यापारी जी, ये रुक क्यों नहीं रही हैं? ये सीधी ही चली जा रही हैं। सब झटक लूंगा। मैंने कहा था ना, मैं अपनी चाल अंत में चलूंगा। सिक्कों से भरे मटके यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है लक्ष्मी जी स्वयं आपके पास आना चाहती हैं। सब तो है आपके पास, सुख स्वाद समृद्धि, फिर संतुष्टि क्यों ना है? ऐसे मटकों में छुपा कर क्यों रखा है इन सिक्कों को? अरे पोटली में बांधिए, गोकुलवासियों को देना है कि नहीं? जाओ जाओ जाओ, चलो चलो, ये लो। अवसर का लाभ उठाने को लोभ ना कहते, पर अवसर यदि हाथ आए और हम उसे गवा दे, इसे मूर्खता अवश्य कहते हैं। गोकुलवासी आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे।
आप जा सकते हैं यहाँ से। गोकुलवासी मूर्ख थोड़ी ना है श्रीमान, ये लक्ष्मी घर पर आ रही है और वे द्वार कवाक्ष बंद करके घर में ही दुबक के बैठ जाए और लक्ष्मी से कह दे कि आप नहीं आई है। ये अच्छी तरह जानते हैं श्रीमान के धन इनका जीवन बदल सकता है, पुरुषों को सुख शांति ऐश्वर्य सब प्राप्त हो सकता है और महिलाओं को मिल सकते हैं नए नए वस्त्र, तरह तरह के आभूषण, जो चाहे वो। व्यापारी जी सही कह रहे हैं, इनके साथ व्यापार करने में बुराई ही क्या है। एक छोटी सी बात समझ में आ रही है आपके, अगर किसी को आपके साथ व्यापार करना होता तो अभी तक यहाँ आ चुके हो। तो श्रीमान आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, अच्छा होगा कि आप शीघ्र यहाँ से चले जाएं। हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ श्रीमान, लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि जीवन का सुख धन से होता है और मैं वही बांटने यहाँ आया हूँ। मुझे क्या पता था कि यहाँ के समृद्ध राज दरबार के लोग आम गोकुलवासी को समृद्ध होने देना ही नहीं चाहते। देखिए देवकों, सारे सिक्के समेट लो, चलो, यहां किसी को लक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहिए ही नहीं। उठाओ। नाना व्यापारी जी, हम आपके साथ व्यापार करने के लिए तैयार हैं। हाँ, हाँ, हम भी तैयार हैं। सुलक्षणा? हाँ हाँ व्यापारी जी, हम दोनों भी तैयार हैं। हम सबको आपके साथ व्यापार स्वीकार है। देखिए ऐसा मत कीजिए, आप इस दूर की बातों में मत आइए, इसका जाल है। जाल ना, ये अवसर है। लाओ व्यापारी जी अग्रिम धनराशि। इतनी आसानी से नहीं देवी जी, आप सब लोग अपना निर्णय बार बार बदल रहे हो। मेरी सिक्कों की पोटली लेने के बाद अगर आपने अपना निर्णय बदल दिया तो। ना ना, हमारा निर्णय अब अटल है व्यापारी जी, अब ना बदले गोजे। मैं कैसे मान लूं? कहीं जी हमारे साथ व्यापार करने से मना ना कर दे, कछु भी करके इन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगो। हमने एक बार कह दिया तो अब हम पीछे ना हटेंगे व्यापारी जी, आप जो बोलेंगे हम वो करने को तैयार है। तो फिर लीजिए अपने आराध्य श्री नारायण के नाम की शपथ, आज से जितना भी दूध दही घी माखन आपके यहाँ उत्पन्न होगा वो आप सिर्फ मुझे और केवल मुझे ही देंगे। नहीं सुलक्षणा, मैं श्री नारायण को साक्षी मानकर जब प्रण लेती हूँ कि आज से जितना भी दूध दही माखन मैं बनाऊंगी वो केवल आपको ही दूंगी। मैं भी श्री नारायण को साक्षी मानकर प्रण लेती हूँ। मैं भी प्रण लेती हूँ। गांव वालों को समझाने के चक्कर में बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने। पापा सहायता करो ना, लगता है मैया को संदेह हो गयो है। मैं ना चाहतो मेरा सत्य सामने आए। बाबा यशोदा क्या होगा? क्या होगा देखो ना आपने, कैसी मधुर मुरली बजाई है हमारे कान्हा ने। अच्छा कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये कोई सामान्य बात है? बाबा संभालो। सामान्य बात ही तो है यशोदा। जैसे बड़े बड़े ऋषि महात्मा के जैसे ज्ञान की बातें करना, ये सामान्य लग रहा है आपको? अब बालक जो देख तो सुन तो है वही तो करतो है। अब हमें कितनी बार बातें करते सुनो है, हमने कितनी बार इसको शिक्षा दी है और अब तो यशोदा जे
बाहर भी जाने लगो है, कितने नए नए व्यक्तियों से मिलते होगो, नई नई बातें सीखते होगो, है कि ना? सही कही थी जी आपने, बालकों का विकास घर पे बैठने से ना हो सकता। जी देखो आज घर से बाहर निकलते ही कैसा सयाना हो गया मेरा लल्ला। इन सब की तो मति ही मारी गई है जो मेरे इतने समझदार लल्ला को माखन चोर बनाने पे तुली हुई है सबकी सब। क्यों रे इतनी शीघ्र इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगो तू? बड़ा भी तो हो रहा हूँ मैया। बहुत बड़ा हो गया है ना तू। अब चल घर चल के मुझे बता और क्या क्या सीखा है तूने। तू तो बच्चों का ना, पर इन गांव वालों का क्या होगा? मेरा कार्य मार्ग दिखाना था बाबा, अब वो कौन सा मार्ग चुनेंगे ये तो उन्हीं पर निर्भर है। पहले आपने समझाओ फिर मैंने समझाओ, अब तो कान्हा ने भी प्रवचन दे दियो, आशा है अब उनके समझ में आ जाएगी। किसी को कछु समझ में ना आए बहू, उस दूर के सिक्कों की खनक ने सबको अंधा और बहरा बना दियो, सबने श्री नारायण के नाम का प्रण लेकर उसे वचन दे दियो, अब से अपना सारा दूध दही माखन सब कुछ केवल और केवल उस व्यापारी को ही देंगे। जिन्हें मैया भी नहीं समझा पाई उन्हें तो नारायण भी नहीं समझा सकते हैं।